बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज मेरा सुबह उठते सबसे पहले बायोडर्मा का 2 कोलैबोरेशन का ऑर्डर आया है, हम दिखाते हैं ये। और पहले ही हनी सजा के रख दी अनबॉक्सिंग करके। तो ये दोनों हैं जिसमें हमको इसके अंदर रिसीव हुआ था, ये सीडियम जेल मोसेंट करके है, ये है और एक है क्रीम फोटोडर्म का क्रीम। और ये तुमको पहले से आया था तो हनी तीनों का सेट बना के फोटो ले रही थी, क्योंकि अभी तो देखे नहीं है ये बायोडर्मा का प्रोडक्ट, पहली बार देख रहे हैं तो फोटो लेना तो बनता है। और क्या बोलती पब्लिक? अच्छा साबुन कहाँ है सर? साबुन कैसे नहाएगा? साबुन से बताओ ना कहाँ रखा हुआ साबुन से कैसे नहाएगा? हाँ जल्दी बताइए। अरे बोला गड़ी में ब्लॉग में, यार जनता क्या सोचेगा जनता। तो गाइज ये मेरा सेकेंड ऑर्डर आ रहा है सुबह से। एक ऑर्डर आया था बायोडर्मा से और अभी आ रहा है एक और ऑर्डर, जहाँ पे डिलीवरी मैन आधा गेट खोल के चला गया। देखो गाइज मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। नहीं गाइज हम आधा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। गेट खुला है, गेट खुल के गया फिर पार्सल लाने वो, और अभी वो आता ही होगा। पार्सल ले रहा हूँ मैं। शिज्जू और ये शिज्जू और डैडा का प्यार हमेशा अमल रहे। जितसे मेरा डटा है वो मर डटा। हाँ कैसे देख रही है यार कैमरे में देख रही हैं। आ रही आ रही आ रही। तो कोड़े कैसे लग रहे हैं आप? और नहीं चार ही हैं अभी। तो गाइस टोटल चार ऑर्डर आया है, 1 2 3 4 ये। और हनी सबका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये क्या क्या पता नहीं। अरे क्या क्या भेज रहा है हमको साबुन। तो गाइस ये है ऑयली स्किन SPF 60, ये है ऑल स्किन टाइप। फिर ये है फेस वॉश, सोप, और ये है एज कंट्रोल मैटिफाइंग फेस वॉश। इतने सारे फेस वॉशेस, माय गॉड क्या होगा ये सबका। सबको कोलैबोरेशन एक बार करना। दो सन क्रीम है ठीक है। हाँ हाँ कल का रात का बचा बिरयानी था तो वही हनी को गर्म करके दे रहे हैं, क्योंकि अब खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अभी रात में खाना बनाना पड़ेगा कि रात तक बिरयानी खत्म हो जाएगी। अभी भी इतना बिरयानी है जिसको खत्म करना, और जनता वाला हिचकी आ रहा है, पानी पीना होगा। जल्दी सुन दो देते खाना। तो गाइस हनी बिरयानी खा लिया और अभी पी रहे हैं माधा एक ग्लास भर के। बिरयानी तक क्यों छोड़ दी सिज्जू के लिए? ये है ना हमेशा कहे कि हनी सिज्जू के लिए छोड़ देते हैं बिरयानी, क्योंकि हम उसको ज़्यादा मसाले वाला चीज़ नहीं देते हैं बाल के कारण, इसका बाल उड़ने का डर रहता है। लेकिन ये हमेशा इसको देने के लिए इसको पूरा हम बहकाए रहे हैं। क्या बहकाए दे रहे हैं? क्या बहकी हुई है डंडा के प्यार में? अभी उधर ही जा रही है, देखो अभी उधर जा रही है। और ये मेरा खाना गाड़े में खाने, जल्दी से खा लेते हैं। तो गाइस मेरा खाना हो गया डन, सिज्जू का भी खाना हो गया डन, हनी का भी खाना हो गया डन। अभी हम जा रहे हैं सिज्जू को बाथरूम करवाने बाहर। इसका हाथ में पट्टा रखे मैं, बहुत एक्साइटेड चलने के लिए। चलो चलो बाहर गेट खोलो, खोलो गेट। सो गाइस अभी हम जा रहे थे सरोजनी और देखिए हमारे साथ क्या हुआ। बाहर इतनी जोर की आंधी आ गई ना कि आपको मुंह दिख रहा होगा। और भाई कैसे जाएंगे अब सरोजनी समझ नहीं आ रहा, हम तो ताला तक लॉक कर लिए थे घर में। देखो गाइस और जैसे ही घर से निकले ना ये आंधी आफत ले आई। कैसे जाएं हमको समझ नहीं आ रहा। पानी का बॉटल वॉटल सब रख लिए थे कि सरोजनी में थकेंगे तो पानी पी लेंगे। Oh my God. Guys, हिम्मत जुटा के हम लोग अब निकल रहे हैं। इधर हनी स्कूटी निकाल रहे हैं, मौसम देखिए कितना भयानक है, फिर भी हम लोग निकल रहे हैं। सोच रहे हैं कि यार चले ही जाते, रेडी वेडी हो गए, पानी वानी रख लिए। यार मेरा बर्थडे आ रहा है, कपड़ा लेना था अपने लिए कुछ कुछ। अब देखो सरोजनी जाने वक्त ही ऐसा कुछ हो गया भाई, नहीं होना चाहिए था ना ऐसा। कितना हुआ चल रहा है यार, धूप भी आ ही गया है। और
आई नो गाइस कि मेरा आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा हो, क्योंकि यार हम बहुत जल्दी माइक लेने वाले हैं। माइक के बिना ना मेरा ब्लॉग प्रॉपर सही नहीं बन पाता है, बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। मेरा आवाज़ आ रहा हो कि नहीं पता नहीं, बट प्लीज़ यार मैनेज है यार। अभी पूरे गंदे हो गए मेरे कारण, ये ना पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे, इनके कपड़े पे ना जितना भी मतलब पेड़ का वो होता है ना वो आ गया। सॉरी यार। सामने व्यू बड़ा अच्छा है, इसलिए व्यू कैप्चर करना तो बनता ही है। सामने कुतुब मीनार है, वाओ अच्छा लग रहा है, बहुत व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग के घर से ना 2 किलोमीटर दूर ही है कुतुब मीनार, तो हम लोग को कभी भी जाना हो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी जाते ही नहीं कुतुब मीनार। ऐसे ही अगर हनी को मेरे साथ जाना हो तो झांसी अगर ग्रुप प्लान बने तो ना। गाइस हम सोरी नगर पहुंच गए हैं और कैसे कैसे पहुंचे, और बारिश भी ख़त्म हो गया है, शाम भी हो गया है, तो अब एंटर करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, इसमें चाहिए था, इसमें चाहिए था। यही सेम, हाँ हाँ इधर तो है। So guys, सरोजनी में बहुत मस्त समर का कपड़ा आया हुआ है, और चीज़ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आए हुए हैं, बहुत अच्छे कम प्राइस में आया है, तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। सरोजनी समर कलेक्शन ऑफ वीडियो आजकल में पोस्ट हो जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड रहिए आप। So guys, सरोजनी के अंदर आते ही ना सब फील हुआ कि बहुत टीचर टीचर से है, बहुत टीचर टीचर से। सरोजनी से निकल गए हम लोग और जा रहे हैं अभी घर, बहुत ज़्यादा थक गए, रात का 10 बज रहा है, पहली बार सरोजनी में इतना देर टाइम स्पेंड किए हैं, तो घर जाकर मिलते हैं। तो गाइस सरोजनी नगर से हम आ गए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, रात का 11 बज रहा है, और अभी हनी को दिए हम बिरयानी, बिरयानी अभी तक बचा हुआ था इसलिए बिरयानी दे दी, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं गया था अभी खाना बनाने का, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और हनी मेरा नाइट सूट पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ सो क्यूट सेट वाला, दिखाइए तो अपना फेस यार लोग देखेगा। और ये देखो, ये खाने के लिए बैठी है, किसी को कब हंडी मिलेगा। सो गाइस खाना मेरा और हनी का हो गया डन, और मेरा एक न्यू लिपस्टिक आया था आज कोलैबोरेशन में, उसी को ट्राई करके देखकर उनको हिचकी और पानी पीने का नीड है। ये यहाँ पे क्यों बैठी है भाई, यहाँ पे क्यों बैठी है किचन में, चलो आ गो दिया, आ जाओ गो दिया, जो गो दिया, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा, क्या। तो हनी आज सरोजनी से ये लिए अपने लिए, वाओ पता नहीं सुपरमैन बैटमैन और ये क्या, कैप्टन अमेरिका, और ये आयरन मैन एंड पिकाचू स्पाइडरमैन। अरे हिचकी कितना हो रहा है यार। अभी जो है ना हनी मेरे लिए ओरियो शेक बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पीने का मन कर रहा था खाना खाने के बाद, तो उधर हनी मेरे लिए, कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये नाइट सूट में, ये हम H&M से मंगवाए थे आज, और आज आया मेरा ये नाइट सूट, बड़ा प्यारा लग रहा है ये, इट्स अ यूनिसेक्स, आई नो सब जानता है कि यूनिसेक्स ही पहन सकते हैं आप, ये लड़की वाला कौन पहनेगा, और इतना खा लेंगे, और इतना अच्छा है ना ये नाइट सूट की, मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत कॉटन मटेरियल में है, और एक चीज़ और है कि ये मतलब साइज़ हम M मंगवाया था, क्योंकि लूज़ फिट ज़्यादा पसंद है, और देखिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को लिंक चाहिए हो तो लिंक मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी प्लेट डाल देंगे ना, हाँ एक पूरा पैकेट डाल दीजिएगा, और ड्रॉल बंद कर लीजिए, धूल चला जाएगा, अच्छा सामान निकाल, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप कर लो, हाँ हाँ। पता है नहीं बायोडर्मा का ना फेस वॉश और वो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है आप पे, मतलब बहुत, हाँ मलाई डाल दीजिए, जैसा आपका मन, अच्छा लगे जैसा लगे, इतना काफ़ी है नहीं, हाँ ज़्यादा पतला हो जाएगा, और थोड़ा सा पानी डालिएगा क्या, थोड़ा सा नहीं पानी नहीं, क्यों
खराब हो जाएगा। कॉफी पाउडर भी ना? नहीं कोको पाउडर ना, हाँ कॉफी पाउडर, हाँ थोड़ा सा और डालिए ना, इतना से क्या होगा, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चुटकी से बस, थोड़ा सा कॉफ़ी, लाइट कॉफ़ी डालिएगा ठीक है, नहीं मुझे लाइट कॉफ़ी पसंद है। पता है आप ओरियो शेक बहुत अच्छा बनाते हैं, आप एक शॉप खोल लीजिए, पता है ओरियो शेक का, अपना रेसिपी शेयर कर दीजिए और आपके नाम पे चलाएगा वो, तगड़ा बनाते हैं आप लेकिन ओरियो शेक टेस्टी वाला। हाँ पानी की तरह बना यार, एक और पैकेट और डाल दे। नहीं 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 ठीक है, काफी 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 है, बहुत ज्यादा गाढ़ा बन जाएगा यार। बोल दे पैकेट। तो गाइस अब जो है मेरा ओरियो शेक बन गया है और अब हम सर्व कर रहे हैं, आप इसको रख दीजिएगा, हम धो देंगे ठीक है, आप मत धोइएगा, हमेशा आप धो देते हैं, इस बार मत धोइएगा प्लीज। सही बोल रही हूं, फेन हो गया ना, आ जाएगा सारा, परफेक्ट बना यार एक ग्लास का पूरा, बहुत अच्छा अंदाजा है आपका, वह मेरे साथ रहे ना इसलिए। हनी आज रात में दूध पी लेगा, अब दो दिन से दूध नहीं पी रहा है। ओरियो ओरियो नहीं बचा, ओरियो नहीं बचा, चाड़ी ओरियो। अरे यार क्या है चाड़ी बताना, सुन रहे आज रात में दूध पीना आपको, ठीक है ठीक। दो दिन से दूध नहीं पी रहे क्योंकि हाँ चिकन भी तो आ रहा ना घर में, इसलिए दूध आप नहीं पी पा रहे, क्योंकि चिकन खा के तो दूध पीते नहीं है गाइस, इसलिए हनी ठंडा दूध चाहिए पता ना। तो गाइस एक लीटर दूध मंगवाया था, अब देखो कितना कम हो गया है ओरियो शेक बनने के बाद। अभी बहुत है यार, बहुत है। हाँ? कम कहाँ है, नहीं फिर भी है कम, चल गाइस जल्दी से पीते अपना ओरियो शेक, थोड़ा देर हम फ्रिज में रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए यार। सो गाइस खाना खाने के बाद अभी हम लोग को कुछ कुछ क्रेविंग हो रहा था खाने का, लेकिन हम अब हमको उतना क्रेविंग नहीं होता, हम तो अपना ओरियो शेक पी रहे हैं वहाँ पे आराम से। यहाँ पर हनी अपना वहाँ पे दूध हम हनी का ला के रख दिए हैं, फिर एक कटोरी ला दिए, उसमें अपना ये वाला घुमाना हनी इधर, कौन सा कॉर्नफ्लेक्स दिखा दें, ये वाला कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, और अभी वही अपना मिक्सचर बिस्किट और सोन पापड़ी खा रहे हैं क्योंकि रात में यार क्रेविंग वगैरह होता है, तो हम लोग खाते हैं, हम लोग मूवी भी देख रहे हैं अभी, कौन सा मूवी नेम क्या है, भूत वाला मूवी है कुछ, AS करके है, बड़ा अच्छा मूवी है, अभी आधा ही देखे हैं लेकिन अच्छा लगा। और हनी मेरे पीठ में भी गरम तेल भी लगा दिए क्योंकि मेरा पीठ बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, हमको ऐसा लग रहा है ठंडा मार दिया, कम्बल ओढ़ के बैठे हैं, पीठ में तेल लगाने के बाद ना उसको ढक दिए कि हाँ हवा ना लग जाए दोबारा से। चाह गाइस अब व्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया, मिलते कल के नए व्लॉग में, अभी के लिए बाय गाइस। बार्गेनिंग मास्टर को गाता नहीं है बार्गेनिंग करना।